नारायण नारायण, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। प्रसन्न क्यों ना हूं सर्वेश्वर, धरती पर जब कोई अनुपम घटना घटती है तो मन इस प्रकार से खिल उठता है मानो बसंत बयार बहने से मधुबन। और आज तो मैंने वो दृश्य देखा जिसे देखकर मैं आनंद विभोर हो उठा। मुझे ज्ञात नहीं था कि कभी कभी किसी के कड़वे वचन भी कानों में अमृत रस घोल दिया करते हैं। तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि? आपसे क्या छिपा सकता हूं, आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपात पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चढ़ा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है। मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगे, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगे और अपने संस्कारों से विमुख होने लगे, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि। जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं, और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा देवर्षि। जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से, उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं है। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु, वो तो आपकी खोज में निकला है। उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीर सागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु? प्रश्न ये उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे देवर्षि, ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हाँ आप। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर? ध्रुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल हैं ध्रुव के लिए, उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता हैं कहां? माता है ना, ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि, इसलिए धरती पर गई हैं उसे भोजन कराने। परंतु समस्या यह है
कि उसे तो भोजन की भूख ही नहीं है, उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है, और वो प्यास उसका मार्गदर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं मुनिवर। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नारायण नारायण।